खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां राजस्व सेवा परिषद के कार्मिक अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज 9वें दिन भी हड़ताल पर रहे। आपको बता दें कि तहसीलदार सहित जिले के करीब 500 से अधिक राजस्व कर्मी 9 दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं, जिसके चलते आमजन व सरकारी कामकाज नहीं हो पा रहा है। लोगों को इन कार्मिकों के हड़ताल पर चले जाने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व कर्मियों की हड़ताल से पूरे ज़िले में लगभग 10,000 नामांतरण दर्ज नहीं हुआ। आम दिनों में ज़िले में प्रतिदिन 1200 से 1500 नामांतरण दर्ज होते हैं। किसानों की केसीसी भी नहीं बन रही है। इसके अलावा खरीफ फसलों की गिरदावरी का काम भी शुरू नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्रॉप कटिंग भी नहीं हो रही, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होगा। आपको बता दें कि प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिले के 9 तहसीलदार, 20 से अधिक नायक तहसीलदार, 115 गिरदावर और 335 राजस्व पटवारी 28 अगस्त से आंदोलन की राह पर है। आंदोलन से पूर्व परिषद के सदस्यों ने प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार ज्ञापन देकर चेताया, लेकिन सरकार स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी कारण उन्होंने पैन डाउन हड़ताल शुरू कर धरने प्रारंभ कर दिए। उप पंजीयक भी हड़ताल पर होने के कारण खरीद बेजान की रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है। आमतौर पर खरीफ फसलों की गिरदावरी 16 सितंबर से शुरू होती है। सर, राजस्व कर्मी काफी दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं, कामकाज भी ठप पड़ा है। जी सर, काफी दिन से स्ट्राइक पे चल रहे हैं हमारे पटवारी गिरदावर, और इनसे वास्तव में काम काश्तकारों का नहीं हो पा रहा है, गिरदावरी नहीं हो पा रही है, नकल प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहे हैं, दूसरे जो राजस्व काम है वो भी नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए हमने समझाइश की भी कोशिश कर रहे हैं, परंतु ये स्टेट लेवल की इनकी स्ट्राइक है, और हमने इनका जो ज्ञापन है, जो मांग पत्र है पटवारियों का, वो उच्च स्तर पर भी भिजवाया है, और ये निर्णय राज्य स्तर से होना है और इनके राज्य स्तर की यूनियन से होना है। और मैं अपेक्षा कर ये करता हूँ कि जल्द से जल्दी हड़ताल ख़त्म हो, ताकि गिरदावरी जो महत्वपूर्ण है इस एरिया के लिए, और जहाँ फसलें नष्ट हो चुकी हैं और फसल कटाई प्रयोग और गिरदावरी टाइम पे हो जाए, ताकि काफ़ी को जो बेनिफिट मिलने वाला है वो बेनिफिट मिले। और इसके लिए मैं भी चिंतित हूँ, और उनसे 2-3 बार वार्तालाप भी की है, और पटवारियों का कहना कि ये हमारा स्टेट लेवल का इशू है और वहीं से समाधान होगा। दोबारा हम इनसे और कोशिश करेंगे समझाइश की पटवारियों से। सर, काफ़ी दिन हो गया धरने पर आप बैठे हो, क्या मुख्य मांगे थी और प्रशासन के साथ आपकी कोई वार्ता हुई है इस संबंध में? वार्ता चलती रहती है, पर मांगे जो है वो पहले समझौता हो चुका है हमारा, वो हम उसी समझौते को लागू करने के लिए बैठे हैं। नई मांगे कोई नहीं है हमारी। राजस्व सेवा परिषद के साथ ये संयुक्त रूप से धरना चल रहा है, जिसमें पटवारी, गिरदावर और राजस्थान के सभी तहसीलदार शामिल हैं। सर, आज कौन सा दिन है धरने का? 9वां दिन। कोई वार्ता हुई या कोई आश्वासन प्रदेश स्तर से कुछ मिला है? वार्ता काफी बार हो चुकी है, आश्वासन एक बार मिला है, पर अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ, आदेश जारी होने तक बैठे रहेंगे। कोई संभावना है आदेश जारी होने की? सरकार कह रही है जल्दी कर देंगे, जल्दी आदेश हो जाएंगे, हम धरना समाप्त कर देंगे। राजस्व कार्यों पूर्णतः बहिष्कार है या पूर्णतः बहिष्कार है? आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर आगे रणनीति ये बहिष्कार चल रहा है, बहिष्कार चलता रहेगा जब तक आदेश जारी नहीं हुआ, बहिष्कार रहेगा। सर, काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हो, क्या मुख्य मुख्य मांगे हैं, आपका समाधान नहीं हो पाया? हमारी जो 28 अगस्त से हमें धरने बैठे हुए हैं, जो 23/4/2023 में मुख्यमंत्री महोदय के सहमति पत्र पर जो साइन हुए थे, उसकी अभी तक गवर्नमेंट ने 4 महीने हो गए उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, उसको देखते हुए हमने फिर ये अभी हमने हड़ताल का वो फैसला लिया है, और जो हमारा जो प्रदेश कार्यकारिणी की निर्देशन अनुसार आगे की जो कार्रवाई है वो हम करते रहेंगे। आज कितने दिन हो गए सर धरने पर बैठे हुए? आज हमारे धरने बैठ 9 दिन हो गए। कोई आश्वासन मिला है प्रदेश स्तर से कुछ? नहीं, अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला है, ऐसी गोलमाल चल रहा है। किसी स्तर पर कोई वार्ता हुई है प्रशासन की? नहीं, अभी तो कोई वार्ता नहीं हुई। अगर वार्ता नहीं हो पाती है तो आपका क्या निर्णय रहेगा, अपने कामकाज ठप कर? हमारा जो है अनवरत हड़ताल चलती रहेगी, अभी जब तक गवर्नमेंट झुकेगी नहीं तब तक हम अपनी हड़ताल नहीं। राजस्व कार्य का पूर्णतः बहिष्कार? बिल्कुल बहिष्कार है राजस्व कार्य का, जब तक सरकार हमारे कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं करेगी तब तक हम अनवरत हड़ताल पर बैठे रहेंगे।